Hello everyone, once again I welcome you all to my channel Education Simplified, and this is Vinod Kumar Garg. So friends, I'm your coach for biology, for competitive exams, for plus one, plus two, and I'm coach for memory as well as psychology also. So friends, this is the video for those students who are preparing for the NEET 2019 exam, okay, which is going to be conducted on 5th May 2019. So this is the video for the topic हाउ टू मेमोराइज द नेशनल पार्क परमानेंटली. ठीक है, तो जो नीट का एग्जाम होता है उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई नेशनल पार्क का नाम दिया जाता है उसमें और उसकी जो लोकेशन पूछी जाती है. ठीक है, जब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक साइड पे मतलब जो चार नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे जो उसके अपोजिट चार लोकेशन लिखी हुई है, आप उसको क्रॉस मैचिंग करना होता है. क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन भी अगर हमारा गलत हो जाता है तो चार नंबर, पांच नंबर हमारे आते हैं इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग, तो उससे पूरी की पूरी गेम जो है वो चेंज हो जाती है. तो आपको हर टॉपिक को कैसे परमानेंटली याद करना है, ठीक है, उसका मैं साइकोलॉजिकल टेक्निक के साथ आपको वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं. तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें. ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. जो नेशनल पार्क है, ठीक है, उनका जो वेरियस सिग्निफिकेंट जो नाइन नेशनल पार्क के मैंने यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है, कि इन नाइन पार्क्स की लोकेशन को कैसे याद करना है. क्योंकि तो फ्रेंड्स, अपने दिल पे हाथ रखकर आप अपने खुद से पूछिए अगर के जो नेशनल पार्क मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनकी लोकेशन क्या अभी आपको याद है. ठीक है, तो ये चैलेंज है कि हो सकता है एक या दो पार्क की आपको लोकेशन याद हो, लेकिन इससे ज्यादा आपको याद नहीं होगी. क्लियर, क्योंकि क्या है कि हम याद करने के लिए चीजों को परमानेंटली रजिस्टर करने के लिए ब्रेन के अंदर उसकी इमेजेस नहीं बनाते. ठीक है, हमारे ब्रेन के पास जो इमेंस पावर है कि हम जितना मर्जी चाहे उसका याद कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को, कितनी भी देर के लिए. ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उसका एसोसिएशन दिमाग के अंदर कैसे किया, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे की है. क्लियर, तो अभी हम शुरू करते हैं नेशनल पार्क. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. क्लियर, काजीरंगा नेशनल पार्क को अभी हम अगर दिमाग के अंदर इमेज बनाने की कोशिश करें तो काजीरंगा की कोई इमेज नहीं बनेगी. क्लियर, तो हम इसको ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, काजी एंड रंगा. क्लियर, तो अगर रंगा से तो रंग की इमेज बन रही है और जो काजी है उससे अगर हम रंग के साथ एसोसिएट करते हो कागज की इमेज बन जाएगी. क्लियर, कागज एंड रंग, तो इसका हम इमेज कैसे बनाया, देखो कागज एंड रंग, तो कागज में रंग करना या रंग भरना बड़ा आसान काम है. क्लियर, तो आसान से हमें याद आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क की जो लोकेशन है दैट इज असम. ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको आपको दोबारा दोबारा इसकी याद करने की जरूरत नहीं, आप इसको भूलना भूल जाओगे. क्लियर, कागज में रंग भरना आसान है तो आसान से असम. क्लियर, तो सेकंड आता है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क. अब सुंदरबन नेशनल पार्क में क्या इमेज बनाएंगे, सुंदर बनना. ठीक है, बन से बनना, सुंदर का सुंदर है, तो सुंदर बनने के लिए जो टिपिकल जो इंडियन लेडीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपनी इमेज को बेस्ट से बेस्ट दिखाने के लिए अपने जो भी वो क्लोथ पहनती हैं उनके साथ मैचिंग बैंगल्स पहनती हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे हम अपनी इमेज को बेस्ट दिखाने के लिए अपने क्लोथ के साथ मैचिंग बैंगल्स पहनती हैं, बेस्ट दिखाने के लिए बैंगल्स, वेस्ट बैंगल्स मतलब वेस्ट बंगाल. क्लियर, तो वेस्ट बंगाल इज द लोकेशन फॉर सुंदरबन नेशनल पार्क. नेक्स्ट हमारा आता है हजारीबाग नेशनल पार्क. क्लियर, अब हजारीबाग की कोई इमेज नहीं बनेगी, देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, हजारी से हजार की इमेज बनेगी, बाघ से बाघ की इमेज बनेगी. ठीक है, तो अपने हजार रुपये की आपने टिकट ली और आप बाघ घूमने गए, नेशनल पार्क घूमने गए, तो आपने देखा कि नेशनल पार्क के अंदर बाघ में बहुत ज्यादा बहार थे. क्लियर, तो बहार से याद आएगा हमें बिहार, बिहार इज द लोकेशन फॉर हजारीबाग नेशनल पार्क. ठीक है, हजारीबाग जगह का नाम है और ये बिहार में है. अब नेक्स्ट आता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. अभी जिम की इमेज बनेगी, कॉर्बेट की इमेज नहीं बनेगी. ठीक है, कॉर्बेट के साथ मिलती जुलती हम कार्पेट की इमेज बना सकते हैं. क्लियर, कॉर्बेट के साथ मिलती जुलती क्या बनेगी, कार्पेट. अब कार्पेट, ठीक है, तो अब क्या आप जिम के अंदर जा रहे हैं, मान लो आपकी जिम जो है बेसमेंट के, आपने इमेज बनाना है कि जो आपकी जिम है वो बेसमेंट में है और उसका जो फर्श है जिसको हम तल बोलते हैं, बॉटम मतलब, ठीक है, तो उसके बॉटम के ऊपर, उसके तल के ऊपर एक कार्पेट बिछा हुआ है. ठीक है, और आपके जो नैन है वो सीधे उस कार्पेट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, आपकी जो निगाह है उसकी तरफ जा रही है, तो क्या बनेगा, नैन एंड तल, नैनीताल. ठीक है, तो नैनीताल में है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ठीक है, नैनीताल कहां पे है, उत्तरांचल में. अब नेक्स्ट है हमारा गिर नेशनल पार्क. क्लियर, अब यहाँ पे गिर की हम इमेज क्या बना सकते हैं, गिरना. ठीक है, हिंदी में गिरना मतलब, तो इसमें क्या हम कैसे याद करेंगे कि आप रात के अंधेरे में नेशनल पार्क के अंदर से गुजर रहे थे,
ठीक है, और आप गिर गए, क्लियर, आप गिर गए नेशनल पार्क के अंदर से, गुजर रहे थे रात के अंधेरे में, गुजर रहे थे रात के, गुजर रात, गुजरात, ठीक है, तो गुजरात आपको लोकेशन याद रहेगी अब गिर नेशनल पार्क की। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, सिक्स्थ है जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क। अभी आपका इमेज बनाएगी कान्हा से कृष्ण की इमेज बनेगी, कृष्ण भगवान की, लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा जो थे आपको पता है वो उनके आसपास ना उनके भीतर में बहुत सारी सखियां रहती थी, क्लियर, तो वो सखियों के मध्य रहते थे, जो कृष्ण जी थे वो अपनी सखियों के मध्य रहते थे, उनके सेंटर में होते थे, मध्य से याद आएगा मध्य प्रदेश, विच द लोकेशन फॉर कान्हा नेशनल पार्क। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट इज बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बंदीपुर की कोई इमेज नहीं बनेगी, कैसे बनाएंगे हम इसको, बंदी से भी याद आएगा बंदी बनाना, किसी को जैसे बंधक बनाना, किडनैप करना, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ बंदीपुर नेशनल पार्क गए, ठीक है, और अपने ही के दोस्त को बंदी बनाकर नाटक कर, उसको डराने का नाटक करने लगे, ठीक है। बंदीपुर नेशनल पार्क में दोस्तों के साथ गए और एक दोस्त को बंदी बनाकर उसको डराने का नाटक करने लगे, नाटक करने लगे, कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक इज द लोकेशन फॉर बंदीपुर नेशनल पार्क। एंड नेक्स्ट इज डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क क्या है, देखो डेजर्ट को हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान, ठीक है। तो स्थान या स्थान जो है वो हमारे सिर्फ एक ही स्टेट के पीछे पड़ता है स्थान, दैट इज द राजस्थान। तो याद रहेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट तो वैसे भी याद है, डेजर्ट राजस्थान में ही है हमारे, ठीक है। तो ये है राजस्थान में, राजस्थान में क्या कहां पे आई है, इसको भी हम याद कर सकते हैं कि राजा राजों की जय जयकार होती है, तो जय से हम याद रखेंगे जैसलमेर में है, ओके। एंड लास्ट इज तंदोबा नेशनल पार्क, अभी तंदोबा की कोई इमेज नहीं बनने वाली, पता नहीं क्या होता थी तंदोबा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, तन तन मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, डोबा डोबा मतलब डूबना, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, तन डूबना। अभी क्या इसको कैसे बनाएंगे, महासागर में डूबने का ज्यादा डर होता है, ठीक है, क्योंकि तन हमारी फिजिकल बॉडी जो है, अगर हम विशाल किसी सागर में जाएंगे तो वहां पे डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्लियर। छोटी मोटी वाटर बॉडी में तो डूबेंगे नहीं हम, जो बड़ी होगी, बड़ी को महा बोलते हैं हम, तो महा से याद रखेंगे महाराष्ट्र। सो तंदोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स अगर किसी भी टॉपिक को अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो परमानेंटली वो आपकी मेमोरी में रजिस्टर रहेगा और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, और आपको अच्छे स्कोर आने की जो है चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके सक्सेस चांस जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।